सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बाजू चढ़ाने में प्रॉब्लम आती है आपको, वो क्यों आती है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारा नेक है जो मैंने कटिंग कर रखा है, क्योंकि मेरे को आपको सिर्फ सिखाना है इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग कर दिया है। आपको जो भी आपको शेप बनानी हो गले की बना लेंगे, कंधी जोड़ लेनी है और साइड में सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे जो आर्मोल वाली जगह होती है इसको हम चेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम चेस्ट भी कहते हैं और आर्मोल लेंथ वाली जगह भी कहते हैं। और एक चेस्ट हमारी आती है जहाँ हम 1 इंच प्लस करते हैं, ये हमने 3 इंच प्लस करके बनाया है। तो इसमें सिर्फ बाजू चढ़ाने का आपको मैं बता रहा हूँ, चाहे इसमें 1 इंच प्लस करके हो चाहे आपका 3 इंच प्लस करके हो, ठीक है। तो आपको आर्मोल वाली साइड से ऐसे नापना इंची डेप से। अब जैसे मैं ये नाप रहा हूँ दोस्तों, ये आपका आ रहा है यहाँ पर 19 इंच, ठीक है। ध्यान से देखिए, 19 का डबल में टोटल जो नाप आएगा तैयार, वो आएगा दोस्तों 38, ठीक है। 38 का जो हाफ आएगा वो आएगा 19 इंच, याद रखें, ठीक है। अब दोस्तों, ये नाप हमारा हो गया। तो अब हम बाजू कटिंग करेंगे और आपको बताएंगे। और इसके अंदर जो आर्मोल लेंथ लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसके अंदर आर्मोल लेंथ मैंने जानबूझ के कम रखी, क्योंकि आपको समझाना है तो कम रखी मैंने। यहाँ पे हम तकरीबन रखते हैं 7 इंच रखते हैं आर्मोल लेंथ, गले बैक गले डीप में 7 इंच के आसपास रखते हैं। लेकिन मैंने 6.5 रखी है, इससे हमारा मुड्ढा छोटा होगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप बाजू चढ़ा पाएंगे। अब देखिए, जैसे कि ये कपड़ा है बाजू कटिंग के लिए, तो एक बाजू मैं आपको इसमें कटिंग करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने ऐसे डबल में करा। डबल में करने के बाद अगर आपने बाइसेप्स नहीं नापा तो इसके अंदर आपको ये देखना है 38 नाप। तो दोस्तों, 38 नाप को आपको भाग करना है 5 से। तो 5 से भाग करने के बाद जितना भी मेजरमेंट निकल के आएगा वो आपको आर्मोल पे रखना है। तो कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं एक निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपकी बाजू की लंबाई है 6 इंच, ठीक है, और इसकी जो मोहरी है वो है 12.5। तो आपको कैसे कटिंग करनी होगी, एक निशान लगा लिया हमने, चाहे पाइपिंग लगाओ तुरपाई करो वो आपके ऊपर है। 6 है तो हम 6.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे और इस तरीके से ये निशान हमारा लग गया। फिर इसकी आर्मोल लेंथ होती है 3.5, इसे हम कहते हैं बाजू आर्मोल लेंथ, याद रखें। फिर इसको हम सीधे फुट्टे की मदद से ऐसे निशान लगा लेंगे। अब देखिए, 38 इंच का हमारा नाप है, ठीक है। तो 38 का अब हम जब भाग करेंगे 5 जगह, तो तकरीबन जो आपका नाप निकल के आएगा वो 7.5 या 7.75 इंच, 1 सूत इतना ही निकल के आएगा। तो आपको ये इस तरीके से निशान लगाना है 3.5 इंच में, ठीक है। जो आपका बस्ट साइज होगा उसका आपको 5वां भाग लगाना है। उसके बाद अपनी बाजू की मोरी 12.5 है, उसका हाफ 6.25 ऐसे रख देंगे और इसको इस तरीके से मिला के दोस्तों निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद अब जो है इसे करेंगे कटिंग। ये कटिंग करा हमने, ये ऊपर वाला कटिंग कर दिया, कपड़ा हटा देते हैं। सिर्फ एक बाजू कटिंग करके दिखाइए, आप दोनों बाजू भी एक साथ कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद तुरपाई के फोल्ड वाली जगह पे कट कर लो, एक आर्मोल वाली कट कर लो, एक बाजू का सेंटर। फिर इसे ऐसे ओपन करके, डबल में बाजू होगी है, मैंने एक कटिंग करके दिखाई है आपको, आप इसे डबल में इस तरीके से रख के ऐसे कटिंग कर लो, ठीक है। खोलने के बाद याद रखें, तो ये आपके बाजू कटिंग हो गई। अब ध्यान से देखना, अब क्या होता है, जैसे कि हम बाजू को इस तरीके से ऐसे हमने मिला लिया, ध्यान से देखें, ये हमने ऐसे मिला लिया। अब बाजू चढ़ाने के लिए हमें ये नापना जरूरी होता है कमीज का आर्मोल। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ किस तरीके से नापा जाएगा। मान लीजिए आपने बाजू पूरी तैयार कर ली, ठीक है। तैयार करने के उस पर जैसे मान लो ये तुरपाई का आपने फोल्ड कर लिया, मैं यहाँ पर कटिंग करके दिखा देता हूँ। ये आपने तुरपाई का फोल्ड कर लिया और मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया। अब ये फोल्ड हमारा समझ लो इस तरीके से आपने सिलाई लगा ली, ये आपकी बाजू पूरी तैयार है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कमीज है, जो बाजू का ये आर्मोल वाला हिस्सा है, हम इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ते हुए आते हैं और हमेशा फ्रंट साइड में कट लगेगा। इसको ऐसे करके फ्रंट साइड थोड़ी बढ़ के आती है, हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं, क्योंकि इसी जगह से हम बाजू की सिलाई को अटैच करते हुए इसे दोस्तों बनाएंगे तो हमारा बिल्कुल सेंटर होके बैठेगा। अब हम इसे नाप के आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए, जब हम इसको इस सिलाई से इसको ऐसे रख के दोस्तों ये नापते हैं, तो आप देखिए कितना छोटा पड़ रहा है हमारा, तकरीबन ये हमारा छोटा पड़ रहा है। आपको नाप के दिखाऊंगा इंची टेप से, तब आप समझ पाएंगे। टोटल में दोस्तों हमारा इंची टेप से छोटा पड़ रहा है 0.5 इंच 1 सूत।
टोटल में आते हैं, एक सूत का मतलब ही दोस्तों हमारा हो गया 1.25 इंच के आसपास टोटल में छोटा पड़ेगा, यानी कि जब आप बाजू चढ़ाओगे तो आपकी बाजू बड़ी पड़ेगी 1.25 इंच और ये हिस्सा छोटा है। तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या करेंगे आप, क्योंकि पता क्या होता है, जो भी कटिंग मैंने आपको बताई है उसके अंदर आर्मोल लेंथ बता रखी है, तो उसमें क्या होता है अक्सर लोगों के बाजू के आर्मोल जो है बड़े हो जाते हैं। बाजू का आर्मोल बड़े होने का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये जो हमने आर्मोल का निशान लगाया, मान लीजिए आपने ये निशान आपका साइज़ में ये आया, ठीक है, सॉरी ये वाला निशान आया आपका, अब ये निशान आया और आपने जब इसको ऐसे करके नापा, ठीक है, तो आपका हमेशा कमीज़ का मुड्ढा बाजू के निशान से बड़ा हो जाता है। मैं निशान लगा देता हूँ नीले चौक से, आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा हो गया, तो कमीज़ का आर्मोल बड़ा होना यानी कि कटिंग गलत है। तो क्या मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो भी मैंने साइज़ में जितनी भी लेंथ बताई है, आप अपनी लेंथ में जैसे कि मैंने 7 इंच बताई है आपको, अगर आपने 7 पे कटिंग करा और आपका कमीज़ का मुड्ढा बाजू के मुड्ढे से बड़ा हो गया, तो आप आगे से 7.25 पे निशान लगाएं। अगर फिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता बड़ा है तो 6.5 पे कटिंग कर लें। लेकिन अगर 6.5 पे आपको ये छोटे वाला हिस्सा आए, जैसे ये चीज़ आई है, तो आपको कैसे ये बड़ा करना होगा मुड्ढा, क्योंकि बड़े मुड्ढे को हम छोटा नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोस मैंने फिक्स बता रखा, ज़्यादातर सही आ जाता है, लेकिन किसी किसी की दिक्कत हो जाती है, तो उसमें आप मुड्ढा पहले छोटा कटिंग कर लें। जैसे कि 38 साइज में हमें यहाँ पे कटिंग करना चाहिए था मुड्ढा 7 इंच पे निशान लगा के, तो ये बिल्कुल फिक्स बैठता, जैसे कि हमने ये आर्मोल लेंथ को ऐसे, क्योंकि ये नाप इसका फिक्स नहीं होता, ये अंदाजे से होता है, गले में मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलर वाले में जो है ये लेंथ आपके बढ़ जाती है, और मैंने हर साइज से ये वीडियो बनाई हुई है। तो जैसे कि ये 6.5 पे मैंने निशान लगाया है, लेकिन 38 साइज में ये 7 इंच पे निशान होता तो हमारा ये मुड्ढा बिल्कुल फिक्स आता। लेकिन दोस्तों अब तो ये छोटा पड़ गया, तो क्या करेंगे, तो दोस्तों छोटा हो जाएगा तो वो ईजी बड़ा हो जाएगा। कैसे बड़ा होगा ध्यान से देखें, आपको ये जो निशान होता है ना इस तरीके से, सबसे पहले एक पैर का निशान ऐसे लगा लें, और इसको इस तरीके से लगाते हुए बैक साइड पे मिलाना है आपको फिनिशिंग के साथ। देखिए ये निशान मैंने लगाया, अब मैं इसको इस तरीके से कटिंग करूँगा और इसको पहले बैक साइड वाले निशान पे ऐसे मिला दूँगा, सिर्फ इतना सा, ये हिस्सा कट गया हमारा। अब बचा हमारा ये वाला हिस्सा दोस्तों, ये फ्रंट, तो हम क्या करेंगे, इस पर भी एक निशान ऐसे हल्के हल्के ऐसे लगाएंगे, एक यहाँ पे अच्छी तरीके से फिनिशिंग देंगे और यहाँ पे हम फ्रंट में मिला देंगे। आप नीचे वाला निशान देख सकते हो हल्का हल्का जो लगा है, अब मैं इस पर दोस्तों कटिंग करूँगा। और याद रखें, कटिंग करें तो आपका कपड़ा सिर्फ फ्रंट वाले कटना चाहिए, बैक वाला ना कटे, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना। अब जैसे हमने कटिंग कर दिया तो ये हमारा आर्मोल समझ लो बड़ा हो गया। अब हम इसे इस तरीके से जब नापेंगे, हमारा ये वाला आर्मोल था जो आपको नाप के दिखाया था मैंने, तो देखिए मैंने बिल्कुल ऐसे करके नाप लिया ऐसे। अब इसे हम ऐसे पकड़ते हैं इधर, ऐसे लेने के बाद देखिए दोस्तों हमारा ये हल्का सा छोटा होगा तो चल जाएगा, क्योंकि कभी भी बाजू को नहीं खींचते हम, कमीज़ को चढ़ाते वक्त तो हल्की हल्की सी खींचते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये मुड्ढा इतना बढ़ चुका है, जो हमारा पहले इतना आ रहा था वो इतना बढ़ चुका है। अगर आपको फिर भी लगता है ये और छोटा है, तो आप डायरेक्ट कभी भी 1/2 इंच का निशान लगा के नहीं काटेंगे, आप पहले एक पैर का ही कटिंग करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से, आपको लगता है आप इसे ऐसे और कटिंग कर सकते हैं, और इसी तरीके से दोस्तों कटिंग करके आप इसको और बढ़ा सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपका फिक्स आ जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि बिल्कुल भी गलती आपकी नहीं होगी, ठीक है। कई लोग जो बिल्कुल फिक्स काट देते हैं, और ये कमीज़ का आर्मोल जब बड़ा हो जाता है तो समझ लो पूरी की पूरी कमीज़ ये आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा अभी आ चुका है। लेकिन इसी जगह पर मान लीजिए, मैं एक बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने पहले कटिंग कर रखी इसकी लेंथ की ज़्यादा, ये मैं सिर्फ आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ, ये आपको जो समझाना था समझा चुका हूँ, अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ आप उसे अच्छी तरह समझ लीजिए। पहली बात तो इतना कभी भी नहीं करता जितना मैं काट रहा हूँ, सिर्फ लेंथ बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए आपका बाजू का आर्मोल ये आ रहा है 38 साइज के हिसाब से, लेकिन फिर जब आप इसे आर्मोल काट लोगे बड़ा करके, जैसे 7.5 पे कटिंग कर दी और आपका कमीज़ का आर्मोल इतना बढ़ के आया, तो दोस्तों ये कटिंग गलत है। फिर आप क्या करोगे, ये आर्मोल आपका कम नहीं हो सकता, बढ़ गया तो, इसलिए आपको बताया गया कि पहले ही छोटा कटिंग करके चलें, इससे आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। एक बार को हमने इसे बाजू लूज़ करके आर्मोल में चढ़ा भी दिया, क्या होगा दोस्तों, इस जगह पे झोल आने लगेगी। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपकी जो फिटिंग वगैरह आप देंगे उसमें बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो दोस्तों यही तरीका था, मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे, और बाजू चढ़ाने की हमारी वीडियो बहुत सारी हैं, तो आप इसको बिल्कुल उसी तरीके से कर लें जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपका फिक्स आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी लेंथ आपको मैंने हर साइज़ में बताई है आप उससे एक पैर जो है कम लेके चलें। एक पैर किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए, जैसे दो है ये, दो के बाद एक सूत, दो सूत, दो सूत को हम एक पैर कहते हैं। तो एक पैर जैसे मैंने 7 इंच लेंथ बताई किसी साइज़ में, तो आप उस जगह पे 7.25 रख लें,
ठीक है। कॉलर वाले में अक्सर हम जो लेंथ रखते हैं उससे आधा इंच बढ़ा के रखते हैं, ठीक है। तो हर साइज़ की हमने वीडियो डाली हुई है, अगर आप चाहते हैं कि हर साइज़ की कटिंग करना आ जाए तो आपको सिर्फ अपना साइज़ लिखना है। और तैयार नाप, तैयार नाप क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तैयार नाप हम इसको कहते हैं जो यहाँ पर सिलाई लगने के बाद बॉडी नाप लेके लूजिंग देते हैं, और ये जो फिटिंग में सिलाई लगती है, जैसे कि 19 पे था तो 19 का डबल हो गया 38, ये होता है तैयार नाप। तो 38 नाप है, तो हमें यहाँ पर वीडियो देखनी होगी, 37-38 वाली वीडियो आपको देखनी है, और आगे लिख देना अमीना बुटीक, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपको कॉलर से लेके हर एक गले के हिसाब से कितना तीरा रखना है, कितनी आर्मोर लेंथ रखनी है, सब वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आर्मोर लेंथ के ऊपर डिटेल मैंने दिया, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि हमारा मुड्ढा अक्सर बड़ा हो जाता है, तो मैं ये समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाई है, जिससे कि आप समझ पाएँ कि मुड्ढा बड़ा क्यों होता है। तो आगे से ध्यान रखेंगे, जो भी लेंथ आपको जितनी बताई गई है उससे एक पैर कम करके कटिंग करेंगे तो आपका मुड्ढा बिल्कुल ओके आएगा। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।